फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जेफेट के बारे में। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जेफेट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जेफेट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जेफेट के टाइप्स के सिंबल्स क्या होते हैं, और हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी एन चैनल जेफेट की। और हमने वहाँ पर बताया था मैंने आपको उस वीडियो में कि एन चैनल जेफेट की वर्किंग को हम दो पार्ट में समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एन चैनल जेफेट होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। यहाँ पर एक एन टाइप मटेरियल की एक बार होती है और यहाँ पर दो पी टाइप मटेरियल जो है आपको इस प्रकार इसके अंदर एन टाइप मटेरियल बार के अंदर जो है डिफ्यूज करवाने पड़ते हैं। इन दोनों पी टाइप मटेरियल जो होते हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं गेट टर्मिनल, और एक होता है यहाँ पर सोर्स टर्मिनल, एक होता है यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल। और हमने जाना था कि जो जेफेट के अंदर ड्रेन करंट होता है जो हमेशा ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है, जिसको हम आईडी से डिनोट करते हैं, ये आईडी जो है वो डिपेंड करता है गेट सोर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है गेट एंड सोर्स के बीच में, जिसको हम VGS से डिनोट करते हैं। आईडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस वोल्टेज, मींस गेट टू सोर्स वोल्टेज पर डिपेंड करती है आईडी की वैल्यू। मींस आईडी जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो हमने जेफेट की वर्किंग को, एन चैनल जेफेट की वर्किंग को दो पार्ट में डिस्कस करना था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब VGS 0 होगा तो ये कैसे वर्क करेगा। आज हम VGS को 0 नहीं रखेंगे, VGS में यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। नेगेटिव वोल्टेज गेट एंड सोर्स के बीच में इस प्रकार अप्लाई करेंगे कि गेट जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पर होगा और सोर्स जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा। आज हम देखेंगे कि जब हम VGS में यहाँ पर VGS की नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और गेट को लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे और S को हायर पोटेंशियल पर रखेंगे तो N चैनल JFET कैसे वर्क करेगा और कैसे इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे और ड्रेन करंट हमें कैसा मिलेगा और कितना मिलेगा, यही हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने गेट एंड सोर्स को 0 वोल्ट पोटेंशियल पर रखा था, मींस दोनों टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया था आपस में। किस प्रकार से, इस प्रकार से कनेक्ट किया था, यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई थी, यहाँ पर सोर्स भी 0 वोल्ट पोटेंशियल पर था और गेट भी जो है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर था, और गेट एंड सोर्स दोनों को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था, और सोर्स भी 0 वोल्ट पोटेंशियल पर था, गेट भी 0 वोल्ट पोटेंशियल पर था, मींस इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, मींस VGS की वैल्यू 0 थी। और हमने क्या किया था, ड्रेन एंड सोर्स को आपस में कनेक्ट किया था और यहाँ पर एक बैटरी लगाई थी, इस बैटरी को हम नाम देंगे VDD, और बैटरी को हमने इस प्रकार से कनेक्ट किया था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ड्रेन से जुड़ा होगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी VDD का वो सोर्स से जुड़ा होगा। ड्रेन एंड सोर्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम डिनोट करते हैं VDS से, और ऑब्वियस है कि जो ड्रेन एंड सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मींस VDS होगा, वो VDD के बराबर होगा। VDS इज इक्वल टू VDD। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी एन चैनल जेफेट को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर दो पीएन जंक्शंस फॉर्म होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, तो एक पीएन जंक्शन यहाँ फॉर्म हो गया, एक पी रीजन यहाँ पर है, एक एन रीजन यहाँ पर, एक पी एन जंक्शन यहाँ भी फॉर्म हो गया। और जब भी पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है। डिप्लेशन लेयर आपको यहाँ पर बना के दिखानी होती है, तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, जब आप ये बैटरी नहीं लगाएंगे तब भी प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर आपको डिप्लेशन लेयर दिखानी है, डिप्लेशन रीजन दिखाना है, लेयर रीजन एक ही बात है, दोनों पीएन जंक्शन के अराउंड दिखानी है। जब आप ये बैटरी नहीं लगाएंगे, मान लीजिए ये बैटरी नहीं लगी हुई है, तो ये डिप्लेशन लेयर जो है वो सिमेट्रिकल होती है, दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती है, दोनों तरफ इनकी थिकनेस जो है डिप्लेशन लेयर की वो सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो पी टाइप मटेरियल है ये हाईली डॉप्ड है और एन टाइप मटेरियल जो है वो लाइटली डॉप्ड है। जो डिप्लेशन लेयर आप फॉर्म करेंगे उसकी थिकनेस एन टाइप मटेरियल में ज़्यादा होगी और पी टाइप मटेरियल में इस डिप्लेशन लेयर की या रीजन की थिकनेस जो है वो कम रहेगी। अब आपने VDD को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दिया, और मान लीजिए इस VDD की वैल्यू है 5 वोल्ट, आपने 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। इसका मतलब यह है कि जो ड्रेन टर्मिनल होगा
वो 5 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा, और सोर्स जो है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है ये 0 वोल्ट पोटेंशियल पर रहेगा, मींस यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहेगी वो सोर्स टू ड्रेन रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे, मीन सोर्स से एंटर करेंगे और ड्रेन में से निकलेंगे बाहर, ड्रेन में से लीव करेंगे। और जो कन्वेंशनल करंट होगा जिसको हम ड्रेन करंट आईडी बोलते हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, मीन्स जो आईडी होगा वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, मींस आईडी की डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर 0 वोल्ट पोटेंशियल है, तो क्या ये पोटेंशियल एकदम डिक्रीज हो जाता है या फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए क्या पोटेंशियल एकदम इंक्रीज हो जाता है? तो आंसर है नहीं। इस यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी। तो ये जो पॉइंट होगा ये मान लीजिए 4 वोल्ट पोटेंशियल पर है, ये 3 वोल्ट पोटेंशियल पर है, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल पर है, फिर 1 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। इस प्रकार जो पोटेंशियल है वो ऊपर से नीचे आते हुए ड्रेन टू सोर्स आते हुए ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। देखिए स्टूडेंट जो पी रीजन है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर है और जो ए पॉइंट है वो 4 वोल्ट पोटेंशियल पर है। यहाँ पोटेंशियल कम है यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, पी रीजन का पोटेंशियल कम है एन रीजन का पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर जो रिवर्स बायसिंग है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार से बी पॉइंट की बात करें, यहाँ 0 वोल्ट है यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ पर भी रिवर्स बायसिंग हो रखी है पी एन जंक्शन की, बट यहाँ रिवर्स बायसिंग जो है ऊपर वाले पॉइंट के कंपेरिजन में कम है, इस रीजन के कंपेरिजन में यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कम है और यहाँ पर इस रीजन के कंपैरिजन में रिवर्स बायसिंग और कम है, क्योंकि 0-3 करेंगे तो -3 आएगा, 0-2 करेंगे तो -2 आएगा, 0-4 करेंगे तो -4 आएगा। तो मींस रिवर्स बायसिंग जो है वो ड्रेन रीजन में ज़्यादा होती है और सोर्स वाले रीजन में कम होती है, रिवर्स बायसिंग ऊपर से नीचे आते हुए कम होती चली जाती है। रिवर्स बायसिंग में हम जानते हैं क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, यहाँ भी इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी बट ऊपर ज्यादा बढ़ेगी और नीचे कम बढ़ेगी, और डिप्लेशन लेयर जो है वो कुछ इस प्रकार से इंक्रीज होगी, इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, बट ऊपर की तरफ इसका साइज ज्यादा इंक्रीज होगा और नीचे की तरफ इसका साइज जो है वो कम इंक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर रिवर्स बायसिंग ज्यादा है पीएन जंक्शन की और नीचे रिवर्स बायसिंग कम है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, इस सबको समझाने के लिए था। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो आपस में पास आने लगती हैं बट ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती। क्यों क्यों नहीं टच करती? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जब पीएन जंक्शन बना था तो कुछ होल्स यहाँ से निकल के एन रीजन में आए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में आए थे। इसी प्रकार से जब ये पीएन जंक्शन बना था कुछ होल्स पी रीजन से निकल के एन रीजन में आ गए थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा होल्स के आने की वजह से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में आए थे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम काइंड ऑफ चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। तो ये डिप्लेशन लेयर आपस में पास पास तो आएंगी बट ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे आप वीडीडी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आईडी ड्रेन करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट जो है वो बढ़ता है। बट इसका दूसरा इफेक्ट ये देखने को मिलता है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट ये देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप वीडीडी को बढ़ाते हैं ये डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे आप इसको 8 वोल्ट करेंगे, मान लीजिए हमने इसको 8 वोल्ट पर कर दिया तो ड्रेन जो है वो 8 वोल्ट पर आ गया। यहाँ पर जो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, मान लीजिए ये अब आ गया 7 वोल्ट पे, ये आ गया 6 वोल्ट पे, ये आ गया 5 वोल्ट पे, तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन की और ज़्यादा बढ़ गई है। 0-7 हो गया, 0-6 हो गया, 0-5 हो गया, तो रिवर्स बायसिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। ड्रेन यहाँ पर 8 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, सोर्स जो है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पोटेंशियल कम है, और पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, बट पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग जो है ऊपर से नीचे आते हुए कम होगी। मींस ये बैटरी जो है वेरिएबल बैटरी है, पहले इसकी वोल्टेज धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हमने 8 वोल्ट कर दी, 8 वोल्ट करेंगे तो ऊपर वाले रीजन्स की और ज़्यादा रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगी और नीचे वाले रीजन्स की जो रिवर्स बायसिंग होगी ऊपर वाले रीजन से कंपेरिजन में कम होगी। तो इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए जो हमारा चैनल था, चैनल किसको बोलते हैं? चैनल इस रीजन को बोलते हैं जहाँ से करंट फ्लो करके ड्रेन टू सोर्स आता है।
इससे चैनल की विड्थ कम हो गई है, मींस यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा करंट को और करंट जो है वो कम होगा। मींस वीडीडी को बढ़ाने का डायरेक्ट रिजल्ट तो ये निकलता है कि आईडी बढ़ता है, बट वीडीडी को बढ़ाने पर चैनल विड्थ जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आईडी जो है वो कम होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आईडी जो है वो सैचुरेट हो जाता है और ये चैनल विड्थ जो है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, और जिस वोल्टेज पर, जिस वैल्यू ऑफ वीडीडी पर करंट आईडी सैचुरेट हो जाता है और ये चैनल जो है बहुत नैरो हो जाता है, उस वैल्यू ऑफ वीडीडी को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। मींस एक चुटकी, पिंच का मतलब होता है चुटकी। चुटकी कैसी होती है? ऐसी होती है। यहाँ भी एक चुटकी बन रही है जो किसको दबा रही है? इस चैनल को दबा रही है। और जब एक पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाती है, एक वैल्यू आ जाती है वीडीडी की, जब करंट आईडी जो है वो सैचुरेट हो जाता है और चैनल विड्थ जो है वो नैरो हो जाती है। ये कौन सा केस था? जब हमने गेट टू सोर्स कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था, ये भी जीरो वोल्ट पर था, ये भी जीरो वोल्ट पर था। आज हम देखेंगे कि अगर हम गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज, तो क्या अफेक्ट होता है, यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे और बैटरी इस प्रकार से लगाएंगे कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल गेट से जुड़ा होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो सोर्स से जुड़ा होगा। मींस गेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा और ये जो सोर्स है वो हायर पोटेंशियल पर होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए बैटरी जो हमने अप्लाई की है वो -1 वोल्ट की है, तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, क्योंकि इसकी वर्किंग को अब हम दोबारा समझेंगे। आज हमने यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच में एक बैटरी लगा दी है और गेट को लोअर पोटेंशियल पर रखा है एज कम्पेयर टू सोर्स। मीन्स आज हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जब हमने VGS को नेगेटिव वोल्टेज दी है, VGS को नेगेटिव वोल्टेज पर रखा है। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर VDD नहीं है, फॉर अ मोमेंट हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई बैटरी जो है वो कनेक्ट नहीं की हुई है, और ये कोई बैटरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं की हुई है, और गेट सोर्स वोल्टेज जो है -1 वोल्ट के, ये पोटेंशियल डिफरेंस -1 वोल्ट का है। तो स्टूडेंट जब हमने यहाँ पर बैटरी नहीं कनेक्ट की थी, जब गेट और सोर्स दोनों 0 वोल्ट के थे, तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो इतनी थी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 वोल्ट पे कर दिया, मींस पी को लोअर पोटेंशियल पर कर दिया और एन को हमने हायर पोटेंशियल पर कर दिया, क्योंकि एन रीजन जो है वो सोर्स से जुड़ा हुआ, सोर्स जो है वो हायर पोटेंशियल पर है। मींस यहाँ पर रिवर्स बायसिंग पहले से ही बड़ी होगी और यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पी एन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग कर रखी है ऑलरेडी। पहले जब 0 वोल्ट पर था गेट, तो डिप्लेशन लेयर पतली थी फर्स्ट केस में, बट जब हमने गेट पे -1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, मींस ये पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग पहले से ही बड़ी हुई है। जब हम यहाँ पर बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये जो मोटी सी डिप्लेशन लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों तरफ यूनिफॉर्म होगी और सिमेट्रिकल होगी। तो यहाँ पर सेकेंड केस में आपको डिप्लेशन लेयर पहले से ही मोटी बना के रखनी है और सिमेट्रिकल बना के रखनी है स्टैटिक के केस में। अभी यहाँ कोई ड्रेन करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट की है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स अब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक वेरिएबल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी जो पोटेंशियल होगी वो यहाँ पर कितनी होगी? वीडीडी होगी। अब आप वीडीडी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ना शुरू होगी और ठीक उसी तरह से बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ रही थी, ऊपर से ज़्यादा बढ़ेगी और नीचे से कम बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर के रीजन में रिवर्स बायसिंग जो है वो ज़्यादा होगी और नीचे कम होगी। डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे पास आनी शुरू करेंगी जैसे जैसे आप वीडीडी को बढ़ाएंगे, बट ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट्स एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिप्लेशन लेयर आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे और चैनल जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा और करंट आईडी जो है वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 8 वोल्ट नहीं लिखना है इस केस में, तो करंट जो है यहाँ से सैचुरेट हो जाएगा और वीडीडी को आप फिर जितना मर्जी बढ़ा लो, आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चैनल जो है
वो नैरो हो चुका होगा और ये डिप्लेशन लेयर जो है वो आपस में बिल्कुल पास आ चुकी होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में जो आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिलेगी मीन्स वो वोल्टेज जहाँ पर चैनल नैरो हो जाएगा, बहुत नैरो हो जाएगा, आईडी जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, इस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो आपको कम मिलेगी। पिछले केस में पार्ट वन में जब हमने वीजीएस को जीरो रखा था तो मान लीजिए आपको वीडीडी को 8 वोल्ट तक बढ़ाना पड़ा था तब जाके करंट सैचुरेट हुआ था, बट इस केस में आपको 8 वोल्ट से कम वोल्टेज पर ही से 5 वोल्ट पर ही आपको वो वोल्टेज मिल जाएगी जब करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा और डिप्लेशन लेयर जो है वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगी और चैनल जो है वो बहुत बहुत नैरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने यहाँ बैटरी लगाई, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की, गेट को लोअर पोटेंशियल पर रखा, सोर्स को हायर पोटेंशियल पर रखा, तो डिप्लेशन लेयर और पहले से ही चौड़ी थी, पहले से ही उसकी थिकनेस थी, पहले से काफ़ी ज़्यादा थिकनेस थी उसकी, तो आपको कम वीडीडी देकर ही इन डिप्लेशन लेयर जो है कम वैल्यू ऑफ वीडीडी पर ये डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत जल्दी क्लोज आ जाएंगी और करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। मीन्स जब आप यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपको कम वैल्यू ऑफ वीडीडी पर ही कांस्टेंट करंट मिल जाता है, मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जब आपने वीजीएस को जीरो रखा था। दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि जब आप यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सैचुरेशन करंट कम होता है कि डिक्रीज होता है, ये पहले वो बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले केस में जब हमने वीजीएस को जीरो रखा था तो उस केस में चैनल जो था वो रिलेटिवली ज़्यादा चौड़ा था एज कम्पेयर टू जब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की। यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर चैनल की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जब आपने यहाँ पर वीजीएस को जीरो रखा था। जब चैनल की थिकनेस कम होगी यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देने का ये मिलता है कि आपको एक तो पिंच ऑफ वोल्टेज पहले मिल जाती है और दूसरा इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि जो ड्रेन करंट की सैचुरेशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए ड्रॉ करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल JFET। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर VDD लेंगे और हम यहाँ पर इस एक्सिस पर लेंगे ड्रेन करंट ID। तो स्टूडेंट्स, आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफ बिटवीन ID एंड VDD, VDD को बढ़ाने पर ID कैसे वेरी करता है, उस ग्राफिकल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। पिछले वीडियो हमने देखा था कि जब VGS की वैल्यू जीरो थी तो क्या हो रहा था, जब VDD बढ़ा रहे थे तो ID बढ़ रहा था और ID बढ़ेगा VDD बढ़ने के साथ और एक वैल्यू ऑफ VDD पर ID जो है वो सैचुरेट हो जाएगा और जिस वैल्यू ऑफ VDD पर ID सैचुरेट होता है उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू, VP की वैल्यू। ये कौन सा केस है जब VGS की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी। तो जब आप VDD और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा? इसका रीज़न भी मैंने आपको दिया था कि करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ VDD इस PN जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब VDD की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और PN जंक्शन की एक लिमिट होती है कि वो रिवर्स बायस वोल्टेज को कितना सहन कर पाता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज के बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है जिसको हम एवलेंचे ब्रेकडाउन बोलते हैं और उस ब्रेकडाउन में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज होता है और करंट जो है वो एकदम बढ़ेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDD पर आकर जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पर आपको जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगी VB की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये तो केस था जब VGS इक्वल टू जीरो होगा। अब जब VGS को हम -1 वोल्ट रखेंगे तो क्या होगा, तब भी करंट जो है ID जो है VDD के साथ बढ़ेगा, बट इस केस में आपको पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो जल्दी मिल जाएगी। जब VGS जीरो था तो हमें 8 वोल्ट पर आकर पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रही थी, ये मान लीजिए 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट पर आकर करंट जो है सैचुरेट हो रहा था, बट जब VGS -1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको सैचुरेशन करंट पहले ही अचीव हो जाएगा और पहले ही डिप्लेशन लेयर आपस में आपको मिलती हुई दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो है ऑलरेडी पहले से ही थिक थी। तो इस केस में आपको कम वैल्यू ऑफ VDD पर ही सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको कम वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज पर ही VGS इक्वल टू -1 वोल्ट के लिए कम वैल्यू ऑफ VDD पर ही पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगी। इस केस में VP की वैल्यू इस केस के VP से कम है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस में जब आप VGS को और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, तो आपको पिंच ऑफ वोल्टेज और कम हो जाएगी और ड्रेन करंट जो है, जो सैचुरेशन करंट है,
सैचुरेशन ड्रेन करंट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएंगी जैसे जैसे आप VGS को नेगेटिव करते जाएंगे, क्योंकि चैनल जो है वो रिलेटिवली कम चौड़ा होता चला जाएगा और करंट जो है वो जो सैचुरेशन करंट आपको मिलेगा ID वो कम होता चला जाएगा। इसलिए जब VGS जीरो होगा तो आपको मैक्सिमम सैचुरेशन करंट देखने को मिलेगा। आप VGS को नेगेटिव कर दीजिए, सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज आपको पहले ही मिल जाएगी। VGS को और नेगेटिव कर दीजिए, सैचुरेशन करंट और कम हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप VGS को नेगेटिव करते चले जाएंगे सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसको इसको इसको, तो आपको एक कर्व देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से कर्व देखने को मिलती है। और इस कर्व का जो स्लोप्स हैं, ये पहला स्लोप है फॉर VGS इक्वल टू जीरो, ये स्लोप है किसके लिए, VGS इक्वल टू माइनस वन वोल्ट के लिए। ये जो है ये लाइन जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये इस कर्व का स्लोप है फॉर VGS इक्वल टू माइनस टू वोल्ट के लिए। तो स्लोप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। जैसे जैसे आप VGS को नेगेटिव करते जा रहे हैं स्लोप जो है बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है और ड्रेन करंट की सैचुरेशन वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है। कहने का मतलब ये है कि JFET के रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ VGS। अगर आप VGS को और ज़्यादा नेगेटिव करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है JFET का वो बढ़ता चला जाएगा और सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस रीजन को जो आपका इस स्ट्रेट लाइन से इधर वाला रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं ओमिक रीजन। ये आपका ओमिक रीजन है। इस रीजन को जहां पर करंट आपको सैचुरेशन मिल रहा है, सैचुरेशन करंट आपको मिल रहा है, इस रीजन के तीन नाम है, एक है सैचुरेशन रीजन, एक है पिंच ऑफ रीजन, या फिर इसको आप एक्टिव रीजन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ब्रेकडाउन सेकंड केस में, यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको इस पॉइंट पे मिल रही थी, सेकंड केस में कहां मिलेगी, सेकंड केस में आपकी रिवर्स बायसिंग ऑलरेडी ज्यादा होगी, आपको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो पहले ही मिल जाएगी, पहले ही पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आपको ब्रेकडाउन जो है वो पहले दिखाना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसे और पहले दिखाना है, और इस वाले रीजन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, और इस रीजन को हम बोलते हैं नीचे वाले रीजन को, इस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं JFET के, उनको हम चार रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा ओमिक रीजन। ओमिक रीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ID और VDD में लीनियर रिलेशनशिप है। आप VDD बढ़ा रहे हैं, ID बढ़ रहा है, ओम्स लॉ ये तो कहता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट जो है वो लीनियरली बढ़ेगा। तो इस रीजन में वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट जो है वो लीनियरली बढ़ेगा, और जिस रीजन में करंट जो है वो सैचुरेट रहेगा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और जिस रीजन में ब्रेकडाउन होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, और इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। इस रीजन में जो हमारा JFET है वो वर्क नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा JFET के अंदर करंट की जो वैल्यूज होंगी, जो ID की वैल्यूज होंगी, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, VGS की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही हैं। मींस ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इस फील्ड की हेल्प से ट्रांजिस्टर की वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर पीएन जंक्शन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा JFET की वर्किंग। तो स्टूडेंट, JFET टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंबल्स क्या हैं, और एंड चैनल JFET की वर्किंग को पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया। दो पार्ट्स में डिस्कस किया था, जब VGS जीरो होगा पिछले पार्ट में, और आज हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या बदलाव देखने को मिलता है, पिंच ऑफ वोल्टेज में क्या बदलाव देखने को मिलता है, और ID की वैल्यूज में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आप VGS को और ज्यादा नेगेटिव करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसका नाम होगा MOSFET। तो स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।